अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीटी स्पीकिंग का लास्ट टास्क होता है, इसमें आस्क शॉर्ट क्वेश्चन, एएसके भी इसको बोलते हैं, एएसक्यू सॉरी, आस्क शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत यानी कि ना सिंपल, लेकिन इसके तकरीबन पाँच यानी कि जो 4 से 5 ही आते हैं और इसमें यानी कि आपको ज़ाहिर है एक क्वेश्चन का एक नंबर होता है, तो आपके यहाँ 5 नंबर जो है वो यहाँ से इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये किसी में भी जो है वो और में कंट्रीब्यूट नहीं करता, जस्ट स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, समटाइम ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वो वहाँ पे आपने यानी कि प्लूरल में जो है वो जवाब देना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर आपने यानी कि प्लम्बर की बजाय प्लम्बर्स बोलना होता है, कहीं पर आपने जो है वो हैकर की बजाय हैकर्स बोलना होता है, कहीं पर आप वहाँ पर वो कहीं पर वो कहेगा कि आ पर्सन, कहीं पर वो कहेगा ग्रुप ऑफ पीपल, तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होगा वहाँ पे आपने ज़्यादा यानी कि प्लूरल का बोलना है, यानी कि हैकर्स बोलना है, जहाँ पे वो कहेगा पर्सन तो वहाँ पे आपने हैकर बोलना है। और इसकी ट्रिक ये है कि आपने एक लफ्ज़ को एक दफ़ा नहीं बोलना, आपने कम से कम 2 या 3 दफ़ा बोलना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर ये है कि हैकर एक्सपोज, तो आपने एक दफ़ा बोल के चुप नहीं होना, आपने बोलना है हैकर हैकर हैकर। अब आपने 3 दफ़ा बोल दिया तो 3 दफ़ा ठीक हुआ तब भी कोई इशू नहीं है, 2 दफ़ा ठीक हुआ तब भी कोई इशू नहीं है, और 1 दफ़ा ठीक हुआ तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये जो है वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेस करता है, वो आपके राइट आंसर को जो है वो चेक कर रहा होता है, उसके दरमियान कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, उसके दरमियान कोई और लफ्ज़ आपने बोल दिए, वो सब उन सारे अल्फाज को इग्नोर कर देगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने में मौजूद से पहले से जो उसके अंदर जब वर्ड फीड होता है, उस वर्ड को जो है वो आपके बोले गए लफ्ज़ के साथ मैच कर रहे होते हैं, जो ही वो जिस वर्ड के साथ वो मैच होता है वो आपके आंसर को फौरन पिक कर लेते हैं। तो ये इसकी जो है वो ट्रिक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में है दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 पर आप देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड लाइट दैट आई यूजली गेट इट्स पावर फ्राम बैटरीज। तो देखिए, या तो वो चार्जिंग वाली बैटरी होगी या उसके अंदर जो है वो जो हम सेल डालते हैं बैटरी वाली वो होगा। तो दोनों सूरत में क्या है, हमें पता है कि यार जो हमारे पास फ्लैश लाइट होती है जो कि हम आमतौर पर जब डार्क एरिया में जाते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं, तो या मोबाइल की अगर आप बैटरी ही बात कर लें फ्लैश लाइट की, तो वो भी बैटरी ही से जो है वो पावर ले रही होती है। उसके बाद कहता है कि वट डू वी कॉल अ स्टेटमेंट मेड बाई समबडी हु नो इट इज़ नॉट ट्रू। तो ज़ाहिर इसमें लाए होगा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, जो है वो इसमें जो है वो कैस्पियन हो गया है। और इसी तरह व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु एक्सेस अदर्स कंप्यूटर विदाउट परमिशन, ऑफ कोर्स इट्स हैकर। व्हाट डू वी कॉल अ इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, तो एविएशन। तो इसमें आपको ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब आपको थोड़ी सी मैं और बात बताता हूँ। अच्छा, जिस ट्रिक का मैं जो है वो जिक्र कर रहा था उसी ट्रिक के बारे में दोबारा बात करूंगा। आपने फ्लैश लाइट को 3 दफ़ा बोलना है, 2 से 3 दफ़ा। इसी तरह लाई को भी 2 से 3 दफ़ा बोलना है, कैस्पियन को भी 2 से 3 दफ़ा बोलना है, हैकर को भी आपने 2 से 3 दफ़ा बोलना है, एविएशन को अभी 2 से 3। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको रियल एग्जाम में भी आएंगे, सिंपल और उसके आसानी से जो है वो आप आंसर उसको दे सकेंगे। तो ये थी जी पीटी स्पीकिंग के लास्ट पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको राइटिंग के बारे में बताऊँगा कि आपने समराइज टेक्स्ट जो है वो समझी कैसे, उसको कैसे लिखना है, और उसके बाद एसे का जो एसे का दोनों का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा यानी कि जो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी ये पीटी का यानी कि टेस्ट है, ये सारा जो है वो टेम्पलेट के ऊपर बेस कर रहा होता है। आप सारे टेम्पलेट अच्छे हैं, देखिए टेम्पलेट सारे ही अच्छे होते हैं, आप उस टेम्पलेट को कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम आप एक टेम्पलेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो आप समझते हैं ये टेम्पलेट अच्छा है, लेकिन दूसरा भी अच्छा होता है। बहुत सारे टेम्पलेट थे, जिस तरह कि मैं इस पीटी स्पीकिंग के में आपको बहुत सारे टेम्पलेट बताए हैं शुरू में और आखिर में अभी तक, यानी कि डिस्क्राइब इमेज का बताया, रिटेल लेक्चर का बताया, वो सब टेम्पलेट अच्छे हैं। जो आप और भी टेम्पलेट होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन किस टेम्पलेट पर आप फंस जाते हैं, किस पर आप नहीं फंसते, ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी हेजिटेशन ही होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स होते हैं, आपके कंटेंट के मार्क्स होते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे जो अभी तक इस पीटी स्पीकिंग के जो पार्ट के अंदर जो चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ की हैं, 88 मार्क्स लिए हैं स्पीकिंग में, पीटी स्पीकिंग में, उन सारे बुनियाद की बेसिस के ऊपर लोगों से जो डिस्कस किया था एग्ज़ाम से पहले कि उन्होंने कौन से टेम्पलेट यूज़ किए हैं,
उन सारी बातों का निचोड़ मैंने आपको अपनी इस वीडियो की सीरीज़ में बता दिया है जो पीटी स्पीकिंग की है। आप शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियोस देखें और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है और आप उन्हीं टेम्पलेट को यूज़ करेंगे जो कि सिंपल हैं आपके लिए, तो आप आराम सुकून से 85+ मार्क्स स्पीकिंग में ले जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीटी राइटिंग के बारे में।